हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूँ। और आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, वो पीटी का सामान्य विज्ञान वाले सिलेबस से रिलेटेड है। और ये UP SSSC PET 2022 में जो सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है, जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 अंक, इसमें 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंक होते हैं। तो 5 अंकों का जो है वो सामान्य विज्ञान से रिलेटेड आएगा, जिसको हम लोग देखेंगे। और ये जो श्रृंखला चलेगी, इसमें हम पूरा विज्ञान कंप्लीट कराएंगे 8-10 लेक्चरों में, और उससे आप जो है पूरा विज्ञान की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्लासेस पढ़े हुए हैं, मैथ की क्लासेस पढ़ी हुई हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और पीटी वाले सेक्शन में जा करके उसको आप देख सकते हैं, और उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और बाकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारे कोचिंग में चली रही है, पीटी की 4-5 टेस्ट हो भी गए हैं, बच्चों के अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, 75+ तो बहुत से लोग हैं। तो वो जाहिर सी बात है कि जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी 80-80+ आएगा ही आएगा। तो सभी लोग, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो, वो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए तुरंत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करिए वीडियो, और श्योर लाभ मिलेगा। क्योंकि जो भी पिछला पीटी हुआ था उसमें भी बहुत अच्छी सफलता मिली थी, और जो ये आने वाला है 15 अक्टूबर में होने वाला है, उसमें भी अच्छी सफलता मिलेगी आप लोगों को। तो आइए सीधे देखते हैं कि सामान्य विज्ञान में हमको क्या क्या तैयारी करनी है, और कैसे हम बहुत कम क्लासेस में 5 के 5ों क्वेश्चन कर लें। तो यहाँ देखिए, सामान्य विज्ञान में 3 भाग हैं। एक तो भौतिक का है, भौतिकी का, रसायन है, और अगला जो है वो जीव विज्ञान है, या एक तरह से लाइफ साइंस कह लीजिए। तो देखिए, ये तीनों ही जो हैं वो दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ों पर क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर दैनिक जीवन से संबंधित जो भी एरिया हैं उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, और जीव विज्ञान में तो स्पेशली मानव शरीर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। मानव शरीर व उनसे संबंधित जो रोग हैं या जो व्याधियाँ हैं, डिजीज़ हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आता है, और अंगतंत्र वगैरह से। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है हमको पूरा बायोलॉजी नहीं पढ़ना है। पूरा आप ये मत सोचिए कि भौतिक है तो इंटर का पूरा पढ़ना है या हाई स्कूल का पूरा विज्ञान पढ़ना है, तो उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमको बस एक सामान्य विज्ञान पढ़ना है, जो हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उनके पीछे का क्या मेन लॉजिक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि बारिश क्यों हो रही है, या फिर बहुत सारी चीज़ें, आंधी क्यों आ जाती है, या मतलब एक सामान्य सी चीज़ें जो हमारे जीवन में आसपास घटित हो रही हैं, वो उनके पीछे का क्या साइंस है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आपने अगर पीटी के पेपर भी सॉल्व किए होंगे तो बहुत ही इजी एकदम, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत कोई डीप साइंस का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही ऊपरी लेवल का ही क्वेश्चन आएगा, और वो आप जनरल एक साइंस पढ़ के भी बहुत अच्छे से 5ों के 5ों क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में हम 10-12 लेक्चर डालेंगे, जिसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा, भौतिक भी, रसायन भी, और जीव विज्ञान भी। और बाद में फिर अब ये इधर जल्दी ही हम पेपर की सीरीज़ शुरू करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, और वो भी जो है हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो कोचिंग में तो हमारे यहाँ शुरू हो गया परिवर्तन बहराइच में, और बच्चों जो बच्चे हैं वो अपना क्वेश्चन आंसर सेशन कर भी रहे हैं। बाकी ऑनलाइन क्लासेस में हम जल्दी ही शुरू कर देंगे। तो आइए देखते हैं आज भौतिक विज्ञान से संबंधित चीज़ें, और ये स्पेशली पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है क्लास, यानी कि जो फोकस हमने किया है वो बेसिकली पीटी पर किया है। बाकी तो ऐसे, तो जैसे सिविल सर्विसेज का विज्ञान है तो वो अलग, वो थोड़ा ज़्यादा डीप होता है, एसएससी वगैरह में अलग से, अलग तरह से होता है, लेकिन हमारा जो पीटी में है वो 5 नंबर फिक्स है, तो वो उसी हिसाब से हम उसको जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए, भौतिक विज्ञान में हमको मेन मेन टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे गति से रिलेटेड टॉपिक है, फिर बल, कार्य, शक्ति, ऊर्जा से रिलेटेड टॉपिक है, उसके बाद में दाब से रिलेटेड टॉपिक है,
फिर द्रव के नियमों से संबंधित टॉपिक्स हैं, फिर प्रकाश से संबंधित टॉपिक हैं, ऊष्मा से संबंधित टॉपिक हैं। तो ऐसे ही करके हम पूरा भौतिक ख़त्म करेंगे। तो उससे पहले भौतिक विज्ञान से पहले को एक चैप्टर है, मतलब चैप्टर क्या है उसके लिए आपको बहुत ध्यान से आज की क्लास देखनी पड़ेगी। तो भौतिक विज्ञान में जो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वो मापन पर डिपेंड करती हैं, यानी मीज़रमेंट पर डिपेंड करती हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं उनका मापन कैसे किया जाए, जो हो रही घटनाएं हैं और वो किन क्षेत्रों से रिलेटेड हैं और क्या कैसे उनका मापन करना है। तो सबसे पहला तो यही चीज़ होती है। तो जो चीज़ें जिन चीज़ों का हमको मापन करना है उनको राशियां कह देते हैं, यानी क्वांटिटीज़ बोल देते हैं। और जिस चीज़ में मापन करते हैं यानी कि जो क्राइटेरिया हमने मापन का बना रखा है वो उसका मात्रक कहलाता है, यूनिट कहलाता है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, राशियाँ और उनके मात्रक, तो राशियों के मात्रक। अब राशियों को दो कैटेगरी हैं, एक फंडामेंटल हैं मूल राशियाँ हैं और दूसरी व्युत्पन्न हैं यानी कि डिराइव्ड राशियाँ हैं। तो दो तरह की राशियाँ बांटी गई हैं, तो मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। यानी कि मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो हैं जो जिनका आपस में कोई कन्वर्जन ना हो पाए, जिनको हम आपस में ना बदल पाएँ और जो अपने आप में मौलिक हैं। तो कहने का मतलब जैसे समय है, तो समय का कन्वर्जन वजन में नहीं हो सकता, वेट में नहीं हो सकता, ना ही वो लेंथ में हो सकता है। ऐसे ही लेंथ है तो लेंथ का कन्वर्जन ना तो समय में हो सकता है। तो ऐसी ही कुछ राशियां हैं जो बिल्कुल अपने आप में मौलिक हैं, फंडामेंटल हैं और उनको हमको एक दूसरे में कन्वर्ट भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उन्हीं को मूल राशियाँ कहते हैं। और ये जो सात तरह की मूल राशियां हैं और उसमें दो पूरक राशियां बाद में और भी हैं और उनके मात्रक हैं, तो उन्हीं को हम देखते हैं कि जो हमारी मूल राशियां हैं, जो मूल राशियां हैं तो उसमें जैसे हमारा जो है लेंथ है, या लेंथ कह लीजिए या दूरी कह लीजिए, डिस्टेंस कह लीजिए, और उसके लिए जो मात्रक है वो मीटर डिसाइड किया गया। और ये हमारा SI मात्रक है, यानी इंटरनेशनल पद्धति का सिस्टम है, इंटरनेशनल बोलते हैं, तो इंटरनेशनल पद्धति का ये मात्रक है, ठीक है। तो दूरी का मीटर है। अब मीटर से जैसे और भी इसके कई सारे डेरिवेटिव्स हैं एक तरह से, या आप कह लीजिए कि बहुत सारे अलग अलग जो हैं इनके मीटर में भी छोटे और बड़े जो हैं अलग अलग हैं, किलोमीटर है, या फिर मीटर का और छोटा करेंगे तो मिलीमीटर आ जाता है, या उससे थोड़ा बड़ा है सेंटीमीटर है। तो वो एक मैथ का विषय है, वहाँ हमको इतना नहीं ध्यान देना है। ध्यान का जैसे वो तो बचपन में पढ़ाया जाता है, अब यहाँ पर एक एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब जैसे किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ये सबको पता है। फिर 1 मीटर है अगर तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो इस तरह से अलग अलग होते हैं और भी, और इससे छोटे जाएंगे तो माइक्रोमीटर होता है। 1 मीटर में अगर हम देखें तो 10^6 माइक्रोमीटर होता है। 1 मीटर में अगर हम 10^9 कर दें तो ये नैनोमीटर हो जाएगा। और अगर इसी को उल्टा पढ़ते, अगर हम मान लीजिए ऐसे बोलें कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होगा, तो 1 नैनोमीटर में हमको फिर 10^-9 मीटर बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है। तो बाकी नैनो के बाद एंगस्ट्रॉम है, फिर पीको है, इस तरह से फर्मी है, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं, 10^-10 होता है। अगर हम कहें एक एंगस्ट्रॉम भी इसी का है, 10^-10 मीटर हो जाएगा। अगर एक पीकोमीटर की बात करें तो वो 10^-12 हो जाएगा। एक फर्मी की बात करें 10^-15 हो जाएगा। तो ये सब अलग अलग हैं, उनके अलग अलग जो है क्वांटिटीज़ को और बांटा गया है, बड़े और छोटे को, इस तरह से। तो ऐसे समझिए। बाकी दूरी में और बड़े मात्रकों में अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर तो वैसे बड़ा है ही है, उससे भी बड़ा अगर देखना है तो लाइट ईयर होता है, 1 लाइट ईयर। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लाइट ईयर भी जो है इसके साथ लाइट ईयर लगा है, प्रकाश वर्ष लगा है, लेकिन जो प्रकाश वर्ष है वो भी जो है
ये दूरी का ही मात्रक होता है, ठीक है। तो ये भी दूरी का ही मात्रक है, और इसको आप ऐसे समझिए कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। यानी कि प्रकाश की चाल होती है 3×10^8 मीटर/सेकेंड, और इस चाल से प्रकाश एक साल में कितनी दूरी कवर कर जाएगा। एक साल का मतलब 365 डेज, और 365 डेज का मतलब है कि 365×24, क्योंकि भाई 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और फिर मल्टीप्लाई एक घंटे में 3600 सेकेंड, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने सेकेंड हो जाएंगे, और उसको 3×10^8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा वो बदलेगा इतने मीटर, या उसको किलोमीटर में ही बदलें अगर तो 9.46×10^15 मीटर होता है। तो 1 light year इज इक्वल टू, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर है ये, 9.46×10^15, अब सोच लीजिए कि 10^15 मीटर में है, और अगर इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 power जो है कम कर देंगे। तो अब इतना किलोमीटर है 1 light year, ठीक है। तो मतलब प्रकाश जो है एक साल में इतने किलोमीटर की दूरी कवर करेगा एक तरह से, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। तो जो बहुत सारे तारे होते हैं, जो स्टार्स हैं, उनकी दूरी मापने के लिए लाइट ईयर का यूज़ किया जाता है कि ये इतने लाइट ईयर है, इतने लाइट ईयर है। तो ये यूनिट जो है जनरली तारों की दूरी नापने में काम आती हैं, स्टार्स की दूरी नापने में काम आती हैं लाइट ईयर। और एक दूरी और है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं उसको, खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई है ये, AU इसको कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और 1 AU इज इक्वल टू होता है, इसको भी नोट कर लीजिए, 1 AU इज इक्वल टू 1.496×10^8, 1.496×10^8 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 1 AU होता है। और AU क्या है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य की ओर इस तरह से चक्कर लगाती है और सूर्य एक फोकस पर है, तो ये पृथ्वी की जो, जैसे यहाँ है तो थोड़ा ज़्यादा दूरी है इसकी, और यहाँ है मान लो तो ये कम दूरी है थोड़ी सी, यहाँ पर सूर्य है, ये सन है, तो ये दूरी पूरी बराबर नहीं होती है क्योंकि ये इलिप्टिकल पाथ होता है, दीर्घवृत्ताकार पथ है, और इसमें सूर्य उसके एक फोकस पर स्थित होता है। तो यहाँ सूर्य से पृथ्वी की दूरी अलग अलग होती है, तो ये एक माध्य दूरी है, तो इसको कहते हैं सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी। यानी कि एक औसत निकाला गया, सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी है। तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होता है तो 1 AU से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो वो 1 AU से थोड़ा सा कम होता है। तो पेरिहीलियन और एपिहीलियन जिसको बोलते हैं, पेरिहीलियन मतलब पृथ्वी पास में है सूर्य के, और एपिहीलियन मतलब पृथ्वी सूर्य से दूर है। तो ये 1 AU यही बताता है। और इसका जनरली ग्रहों की दूरियां तारों से सूर्य से मापने में बताई जाती है कि जैसे पृथ्वी तो 1 AU है, फिर अब बुध कितना है, या फिर शुक्र कितना है, या जो जुपिटर है, बृहस्पति कितना है, सैटर्न है, शनि कितना है, तो वो AU में बता देते हैं। तो ये पता चल जाता है कि पृथ्वी जितना सूर्य से दूर है उसका इतने गुना जो है बृहस्पति है, या इतने गुना शनि है, ठीक। तो ये इस तरह से ये दूरी जो है कैलकुलेट होती है। बाकी एक और दूरी है जो कि सबसे बड़ी दूरी मानी जाती है, वो पारसेक है, पारसेक कहते हैं उसको, यानी पैरालैक्टिक सेकेंड बोलते हैं। और ये अगर इसको हम किलोमीटर में देखें तो 3.08×10^13 किलोमीटर होता है पारसेक में। तो ये एक तरह से सबसे लंबी डिस्टेंस मानी जाती है पारसेक जो है, और इससे भी जो है खगोलीय दूरियों को ही मापा जाता है। तो ये हमारे दूरी के जो हैं ये मात्रक हो गए। इनमें से कई सारे पूछ लेते हैं कि पारसेक क्या है, या लाइट ईयर क्या है, या निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक कौन सा है, तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये सब आते हैं ज़्यादातर। तो ये तो दूरी हो गई मूल मात्रक में, मूल राशि में। फिर समय है, तो समय का आप सभी को पता है कि सेकंड होता है, ठीक है। तो समय का सेकंड होगा,
अब बाकी सेकंड का है वही है कि सेकंड जो है माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, इसमें सब में बांट सकते हैं, या 60 सेकंड मिल करके एक मिनट हो जाता है, 60 मिनट मिल करके एक घंटे हो जाता है, 24 घंटे मिल करके एक दिन हो जाता है, 365 दिन मिल करके एक साल हो जाता है। तो ये सब समय की इकाइयाँ हैं। ठीक है, ठीक है। तो दूरी हो गया, समय हो गया, वजन भी हो गया। वजन का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम है, यानी केजी। बाकी इसमें भी एक किलोग्राम को बांटेंगे तो ग्राम में बटेगा, 1000 ग्राम होता है, और या मिलीग्राम में बढ़ जाएगा। बाकी अगर और एक किलोग्राम किलोग्राम को मिला लें तो वो टन बन जाता है, क्विंटल बन जाता है, यानी 100 किलोग्राम का एक क्विंटल होता है, 10 क्विंटल का एक मेट्रिक टन होता है। तो इस तरह से जो है किलोग्राम है। तो ये तीन ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होती हैं। फिर इनके अलावा वैद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसका एम्पियर होता है। फिर जो ज्योति तीव्रता है, जो हमारी लाइट जलती हैं उसकी इंटेंसिटी को बताता है, ज्योति तीव्रता, ये कैंडिला में बताया जाता है, कैंडिला यानी सीडी में। और ताप है, ताप को हम केल्विन में बताते हैं, इसका मात्रक केल्विन होता है। बाकी डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फारेनहाइट वो भी है, वो जब ऊष्मा का चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ और डिटेल में बताएंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फारेनहाइट में कैसे कन्वर्जन करते हैं और केल्विन को कैसे डिग्री सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं। तो ताप का मात्रक केल्विन है। और एक होता है लास्ट जो है, ये तो 6 हो गई, पदार्थ की मात्रा होती है। तो पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है, मोल में। तो ये एक संख्या है पदार्थ की मात्रा, तो इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि एक मोल क्या होता है। एक मोल का मतलब होता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 × 10³। तो ये एक नंबर है, एवोगाड्रो नंबर कह देते हैं, या इसको मोल कहते हैं। तो जनरली ये गैसों के आयतन के लिए डिस्क्राइब किया, मतलब गैसों का आयतन बताता है सही से। तो उसको अगर डिस्क्राइब करना हो तो हम मोल के रूप में भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक मोल में, जैसे किसी भी गैस का एक मोल लिया तो उसमें 6.023 × 10³ अणु होंगे, और उनका जो भार होगा वही गैस का एक अणुभार हो जाएगा इस तरह से। और उनका आयतन भी फिक्स होता है, अगर एक मोल किसी भी गैस का ले लें तो उसका आयतन जो है 22.4 लीटर वो फिक्स होता है। तो इस तरह से ये 6-7 राशियां हैं जो मूल राशियां थीं, जिनके बारे में भी हमने चर्चा किया और उनके मात्रक थे वो। बाकी इनसे रिलेटेड बहुत सारी जो राशियाँ निकलें इनके आपस में यूज़ करके, वो सब व्युत्पन्न राशियाँ हैं। लेकिन दो पूरक राशियां हैं, इनको भी अभी हम चर्चा कर लेते हैं। पूरक राशियां क्या होती हैं, तो इसमें एक तो कोण होता है, कोण यानी एंगल, सॉरी, ठीक है। और कोण का मात्रक होता है रेडियन। तो जो कोण हम लोग मापते हैं, एंगल मापते हैं, दो स्ट्रेट लाइंस हैं अगर एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उनके बीच का जो ये झुकाव है इसको कोण कहते हैं। और इसको मापने के लिए वैसे तो कोण होता है कि मान लो कोई भी हम एक कोई दूरी ले करके, मान लो इतनी दूरी ले लिया हमने, ये आर है, और यहाँ से एक आर्क लगाया ऐसे, तो इसको चाप लगाया, ये चाप है, ये एक आर्क है। तो ये जो डिस्टेंस है आर्क जो है, मान लो एक्स है, और ये डिस्टेंस जो है जो हमने ले करके आर्क खींचा है, ये आर है। तो कोण जो निकलता है, ये कोण जो है चाप और बटे ये त्रिज्या कहलाता है, चाप और त्रिज्या का अनुपात होता है, और इसी को रेडियन में व्यक्त करते हैं। बाकी रेडियन को हम डिग्री में बदल लेते हैं। जनरली हम कोण को डिग्री में ही यूज़ करते हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो व्यवहार में ज़्यादातर डिग्री में यूज होता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये रेडियन ही इसका जो है एसआई मात्रक है। और एक अन्य पूरक मात्रक होता है, उसको कहते हैं घन कोण, सॉलिड एंगल। तो ये तो सिंपल एंगल था, और एक होता है घन कोण, वो सॉलिड एंगल है। तो वो पर्टिकुलर जैसे कोई एरिया है, ये मान लो एक एरिया है, और इसके द्वारा किसी बिंदु पर कोई कोण बन रहा है, जैसे आपने छतरी देखा होगा, तो ये वाला कोण जो है ये घन कोण कहलाता है। तो जैसे छाता है, छाते से सारी तीलियां आकर के इस छाते की डंडी पर लगी होती हैं, आपने देखा होगा अम्ब्रेला जो है, और वो जो सारी तीलियां हैं उनका जो घेराव है वो जो होगा वो घन कोण कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा, ठीक।
और उसके लिए हम स्टेरेडियन का उपयोग करते हैं, स्टेरेडियन। तो बस आपसे इतना पूछेगा कि घन कोण का मात्रक क्या है, तो आप स्टेरेडियन ही बताइए। और ये एक प्रकार के पर्टिकुलर, ये इस एरिया का जो है कितना एंगल किसी पॉइंट पर हो रहा है उसको शो करता है, घन कोण जो है स्टेरेडियन को शो करता है, ठीक। अब इनके अलावा जितनी और राशियां हैं सब व्युत्पन्न राशियां हैं, जैसे बल हो, कार्य हो, संवेग है, आवेग है, दाब है, तो और बहुत सारी हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, वैद्युत विभव है। तो पूरे फिजिक्स में इन सात और दो को छोड़ करके बहुत सारी राशियां हैं, पूरी भरी पड़ी हैं, और उन्हीं को हमको आगे चल के उनकी प्रॉपर्टी, जैसे बल पढ़ा रहे हैं तो बल क्या है, कितने तरह का होता है, बल से संबंधित नियम क्या है, फोर्स से रिलेटेड, कार्य क्या है, कार्य की राशि क्या है, और कैसी राशि है। राशियों का एक विभाजन और है, सदिश राशि और अदिश राशि। तो भौतिक विज्ञान में राशि को जो है, राशियों को दो भागों में और बांटा गया है, एक है सदिश राशियां और अदिश राशि। तो अदिश राशि जिसमें किसी राशि को व्यक्त करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक चाहिए, वो तो अदिश राशि है। लेकिन अगर उस राशि को व्यक्त करने के लिए हमको डायरेक्शन भी चाहिए, दिशा को भी बताना है, तो वो सदिश राशियां हैं। जैसे बल है, वो एक प्रकार की सदिश राशि है, वेग है, त्वरण है, ये सब, क्योंकि वेग है तो चाल और वेग में यही डिफरेंस है, स्पीड एंड वेलोसिटी में। स्पीड है मतलब कोई, हम सीधे कह दें कि कोई व्यक्ति 20 मीटर पर सेकेंड, या हम कह दें कि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो ये उसकी स्पीड है। लेकिन हम कह दें एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग चाल से उत्तर दिशा में जा रहा है, तो फिर ये उसका वेग होगा। तो यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी है, 60 किलोमीटर पर आर भी है, और उसके साथ में दिशा भी है कि उत्तर दिशा में जा रहा है। अब मान लो वो कुछ देर बाद उत्तर दिशा से मुड़ के पूरब दिशा में अगर जाने लगे, ठीक है, और उसका जो वैल्यू है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे ही रहे, तो यहाँ चाल तो नहीं बदली, हम कहेंगे कि फिजिक्स में कहेंगे कि उस व्यक्ति की चाल नहीं बदली, क्योंकि वो पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दिशा से जा रहा था उत्तर में, अब वो पूरब में जा रहा है। लेकिन हम कहेंगे उसका वेग बदल गया, तो भौतिक विज्ञान में हम कहेंगे कि उस व्यक्ति का वेग बदल गया, क्योंकि पहले वो उत्तर दिशा में जा रहा था, पूर्व दिशा में जा रहा है। तो जो राशियां दिशा पर निर्भर करती हैं, परिमाण के साथ साथ, अपने वैल्यूज़ के साथ साथ डायरेक्शन पर भी जो है जो डिपेंड करती हैं, उसमें अगर डायरेक्शन चेंज हो गया है तो चाहे उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो चाहे ना हो, लेकिन उनका मान चेंज माना जाएगा, और उनका फिर जो जोड़ घटाव है उसके नियम अलग होंगे, वो सदिश राशियों के जोड़ घटाव जैसे नियम होते हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो यूनिट्स हैं वो, जो क्वांटिटीज़ हैं वो, जो वेक्टर क्वांटिटी, इनको इंग्लिश में वेक्टर और इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जोड़ घटाव जो है वो सामान्य मैथ के नियम से नहीं होता है, वहाँ हमको उसके लिए वेक्टर के नियम अपनाने पड़ते हैं। बाकी स्केलर राशियाँ हैं उनको हम सामान्य तरीके से जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन ये एक भौतिक विज्ञान का विषय है, ये उनके लिए है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEE की कर रहे हैं, लेकिन जो पेट के लिए इतना सीखने की अभी ज़रूरत नहीं है। और बस इतना जानना है कि जो भी राशि हम जैसे बोलेंगे बल है, तो ये जानना है यहाँ बल कैसी राशि है। जैसे क्वेश्चन इस तरह से आएगा, चार राशियाँ दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सी राशि सदिश है या कौन सी राशि अदिश है, ठीक है। तो इस तरह से राशियों का जो है वर्गीकरण हुआ है। तो अब हम जो है देखेंगे, जो राशियां तो अभी तक हमने देख ली हैं और उनके कुछ मात्रक भी देख लिए हैं, आगे जो भिन्न भिन्न चैप्टर में जो भी राशियां आएंगी उनके मात्रक और वो कैसी राशि हैं, क्या हैं उनसे संबंधित, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा वो होगा बल पर, गति और बल से रिलेटेड चीज़ें, गति कितने तरह की होती हैं, कैसे कैसे गति में परिवर्तन से क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों पर हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे और जल्दी ही अपलोड कर देंगे, वो भी पूरा 10-15 क्लास में पूरा विज्ञान जो है वो कवर हो जाएगा, सामान्य विज्ञान PET की परीक्षा के लिए। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए और शेयर करिए ग्रुप्स में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।